आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। हरियाणा से यूपी जा रहे 17 बैलों से भरे ट्रक को युवाओं ने NH2 स्थित अटोहा के समीप काबू कर लिया और साथ ही ट्रक चालक समेत 4 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें 3 बैल मरे हुए पाए गए और बाकी 14 बैलों को मुक्त करा दिया गया है। पुलिस ने गौरक्षक दल के युवा की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी सतवीर व गांव के निवासी सोनू फागना ने बताया कि गांव पुटली हतीन निवासी भोला उर्फ लेखराज ने शिकायत दर्ज कराई है कि पिछले शुक्रवार की शाम को उन्हें जानकारी मिली कि एक ट्रक में बैलों को भरकर उत्तर प्रदेश तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। भोला ने अपने साथी को इसकी सूचना दी और KMP पर लगे टोल प्लाजा के समीप ट्रकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक तेज रफ्तार से ट्रक को चलाता हुआ टोल प्लाजा को पार कर NH2 की तरफ भाग निकला। उसके बाद गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी गई और सभी लोगों ने इकट्ठे होकर ट्रक पर पथराव करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जाम लगाकर गांव अटोहा के समीप ट्रक को किसी तरह से दबोच लिया गया। जब तलाशी ली गई तो उसमें 17 बैल भरे हुए थे जिनके पैर व मुंह बांधे हुए थे और उन्हें बुरी तरह ठूस कर ट्रक में भरा हुआ था। इन बैलों में से 3 बैलों की तो मौत तक हो चुकी थी। मामला ये था, हमारे इन बच्चों को कोई मुखबरी लगी पीछे से कि राजस्थान से कोई ट्रक आ रहा है, यूपी नंबर है, और उस वेस पे इन बच्चों ने टूल टैक्स पे गए जो कि इन ट्रक वाले ने मेरी जो संज्ञान में आया था, मैंने तुरंत ही इन बालकन तक कही भाई रुक जाओ। उसके बाद इन बालकन ने बताई भैया टूल टैक्स पे हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हुई, इसलिए हम इसके विरोध में हैं और मैं अपने पूरे प्रशासन को और अपने गांव बस्ती और इलाके से यही विनती करी थी कि भाई किसी भी तरीका से कोई झगड़ा कोई विवाद ना बने, कोई किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज ना हो, इसलिए ये सारी की सारी सहमाई प्रशासन को थोप दी गई, प्रशासन को दे दिया और किसी बच्चे ने किसी को कुछ नहीं कहा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये देखिए, हमें तो यहाँ सूचना मिली थी KMP के ऊपर, तो यहाँ पे एक ट्रक है गाय का भरा हुआ और सोनू चेयरमैन का मेरे पास फोन आया था, तो तुरंत हम मौके पे आ गए और सारे जो युवा बच्चे यहाँ पे थे उनके से किस योग से इस गाड़ी को काबू किया और इसमें से ये गाय निकाल के और उनको सुरक्षित जगह पे भेजा। तो आगे क्या कार्रवाई अमल में लाएगी? इसमें जो भी लीगल कार्रवाई जो इसमें बनती है वो मुकदमा दर्ज करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। पलवल से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।